हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज हम सुबह सुबह आए हैं शंकराचार्य के पहाड़ पे। हम ट्रैक करेंगे आज। मेरे साथ है साहिल, सरफराज, तजमुल और फैज़ान। आज हम जाएंगे ऊपर ट्रैक करते करते हुए। और चले फिर, लेट्स गो। चलो वालेकुम सलाम। वेल, हमने यहाँ पे एक स्टॉप ले लिया। स्टॉप में हम हमारे घर से ये उसकी वजह से पेड़ गिर गया। ये हम खा सकते हैं। तू कुछ भी खा सकता है। तू कुछ भी खा सकता है। इसके अंदर से कुछ निकलता है वो हम खा सकते हैं। इसके अंदर से क्या निकलता है? यहाँ पे बड़ी कोशिश होते हुए मैन वर्सेस वाइल्ड पार्ट 2 बनने की। ये साथ ये जलाने के लिए सर्वाइवल मोड हो गया। हाँ, जलाने के लिए लगता है, मगर खाने के लिए मत लगता है। खा भी लेंगे। अब मजा है, अब नहीं है ये। ठीक है, और मैं सरफराज को चाहिए। वैसे ना उसी से मैं मौज खराब करूंगा ना कि मजा है। हम यहाँ पे ट्रैक करने आते हैं और यहाँ पे फ्रूट चोरी करने के लिए आते हैं। इसको क्या बोलते हैं कश्मीर में? चेयर। ये यहाँ की कश्मीरी की चेयर है। एप्रिकॉट बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एप्रिकॉट। उर्दू का मुझे पता नहीं। अगर आपको पता है इसको उर्दू में क्या बोलते हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा नीचे। चलो दौड़ते जाएं। यहाँ पे आराम से। वाओ, बड़े अच्छे फूल हैं यहाँ पे। कुछ अलग ही फूल हाँ, मगर बहुत अच्छे फूल है। ये कितना अच्छे फ्लावर्स है ना, बहुत जबरदस्त फ्लावर। ये यहाँ पे क्या हो? भालू का महल। भालू का महल? ये भालू का महल नहीं है, ये पत्थर है। कौन से पत्थर है ये? कौन सा पत्थर है ये? कुछ होगा मगर ये भालू का महल नहीं है। Thank you.
मजा है मगर अदरक कहवा सी थी लुक एट दिस ब्यूटीफुल कश्मीरी कहवा ले अभी हम टॉप पे बैठे हैं यहाँ पे हम कहवा पी ले 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 रोटी दूंगा ये कहवा है अपने रोटी के साथ लाई वेल हमने कहवा खत्म किया पी के अभी हम ये सब कुछ डिस्पोजल्स साथ ही ले जाएंगे नीचे फेंकेंगे हाँ हाँ ये हम नीचे डस्टबिन में फेंकेंगे नीचे है ना डस्टबिन रख फिलहाल इसे बैग में हमने यहाँ पे एक लंबा सा स्टॉप लिया था हमने पानी पिया और वहाँ पे रेस्ट भी कर रहे थे अब हम पहुँच गए लगभग इस पहाड़ के टॉप पे हम पहुँच गए पेड़ ही गिर गया है और रास्ता क्या दिया है ऊपर वाले ने बहुत पुराना अब इस पे फैजान ये स्कॉट नहीं कर रहा अभी साहिल बोलेगा इसमें से कुछ निकलेगा बहुत महंगा पेड़ है और चलना अगर मैं निकलूंगा तू खाएगा ठीक है अभी देख निकलेगा मैंने नहीं खबर क्या इसमें से पता नहीं क्या निकल रहा है कुछ ब्राउनिश मगर ये अच्छा नहीं रहता है देखो ये खुद मतलब जो पेड़ खुद गिरता है ना अगर ये खुद वो उठाएंगे ना वो ठीक है मगर जो इनमें भी जान है ना मतलब क्यों काटने है ये वो ऊपर से डालते हैं कूड़ा सीधे नीचे आता है ऊपर से आ रहा है मुझे एक बार सब समझ नहीं आती है अगर यहाँ पे कोई कुछ खाता है ना उसके बाद मतलब क्यों नहीं मतलब ये जो एक कूड़ा करकट है ये क्यों नहीं उठाते अब देखो कितना कूड़ा है यहाँ पे हम लोग क्यों नेचर खराब कर रहे हैं ये बात मुझे समझ नहीं आ रही हाँ बालू का अरे ये नहीं है वो एक कंफर्म है बालू सुन के देख सकते हैं आप अरे यार चांदू सूख सकता है अगर आप यहाँ आ रहे हो कुछ खाने की चीज़ आप साथ ला रहे हो उसको खा के अपने बैग में डाल के वापस घर ले जाओ जैसे आप उसको ला रहे हो वैसे घर ले जाओ आप यहाँ पे क्यों छोड़ रहे हो मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे छोड़ के मतलब यहाँ पे छोड़ के एनवायरनमेंट खराब हो जाता है ये नेचर यहाँ आके फील अलग आता है एक मतलब अलग वाइब आती है अगर आप यहाँ पे भी हम कूड़ा करकट डालेंगे इसको भी वैसा ही बना देंगे जैसे आम जगह हैं तो फिर क्या फ़र्क रहेगी उन जगहों में और इन जगहों में प्लीज़ मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ जब भी आप कहीं किसी जगह पे जाएं प्लीज़ वहाँ पे आप प्लीज़ कहीं पे कूड़ा करकट ना डालें प्लीज़ ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कहीं पे कूड़ा करकट ना डालें ये हमारा नेचर है ये अल्लाह ताला ने हमें नेचर दिया है हमें इसकी कदर करनी चाहिए हम इसकी कदर करेंगे अल्लाह ताला हमारी कदर करेगा इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ हम इंशाल्लाह आगे से कोशिश करेंगे हम कोई भी कूड़ा करकट किसी भी जगह पे नहीं डालेंगे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कोशिश करें वो उठाने की लेकिन डालना नहीं है इंशाल्लाह अभी हमने लगभग 90% पहाड़ कवर कर लिया है बस अब 10% है तो उसके बाद हम पूरा टॉप पे पहुंच जाएंगे अगर आप इस वाले पहाड़ पे आते हो आपको एक घंटा मिनिमम तो लगता है आप किसी भी रास्ते आओ इसके बहुत सारे रास्ते हैं उस वाले एक सोनवार साइड से भी है एक नेहरू पार्क साइड से भी है एक डलगेट साइड से भी है इसके बहुत सारे रास्ते हैं लगभग क्या यार कितना कूड़ा डाला है यार सर
कितना कूड़ा डालते हैं यार। फाइनली हम पहुंच गए टॉप पे, यहीं पे टेंपल है शंकराचार्य का। ये इसका सड़क का रूट है, ये नेहरू पार्क की साइड से इसको सड़क है जहाँ से आप गाड़ियाँ वाड़ियाँ ले सकते हो। वेल, हम शंकराचार्य के ऊपर टॉप पे आए हैं, ये टेंपल है ऊपर, यहाँ से पूरा श्रीनगर सिटी दिखता है। अभी हम निकल गए यहाँ से, साहिल, सरफराज और फैज़ान और तजमुल वो आगे चले गए हैं बिकॉज मैं पानी पीने गया था, और अब हम मैं अकेले चल रहा हूँ, अभी मैं अकेले चल रहा हूँ आगे। ये इस हट में बैठे थे, अब हम जाएंगे आगे, और अभी हम नेहरू पार्क, यहाँ से नीचे जाके नेहरू पार्क के पास स्टे करेंगे। रखते हैं आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, डू लाइक सब्सक्राइब कमेंट और बेल आइकन को दबाना ना भूलेगा। हम मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग में, टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।